रेलवे ने दी बड़ी राहत, अब आरआरबी के ऑनलाइन फॉर्म 31 मार्च तक भरें। रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए करीब 86,000 पद निकाले हैं या विभिन्न श्रेणी के पद हैं, इनके आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अभी तक इनके आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2018 थी, लेकिन अभ्यर्थियों की दिक्कत को देखते हुए रेल मंत्री ने परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा करके 31 मार्च कर दी है। रेल मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। इसके पहले भी रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए न्यूनतम आय और परीक्षा में शुल्क के लेकर के कुछ शिकायतें थी, उनमें परीक्षा शुल्क में कटौती की है। आयु में 2-2 वर्ष की छूट सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को दी गई है और परीक्षा शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए 500 कर दिया गया था और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये कर दिया गया था। इसे लेकर परीक्षार्थियों ने विभिन्न वर्गों के लेकर के बड़ी संख्या में शिकायतें अपनी रेलवे को पहुंचाई थी। तमाम शिकायतों को देखते हुए रेल मंत्री ने इसमें कटौती की और घोषणा की कि परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए जो 500 रुपये है वह रेलवे भर्ती बोर्ड के खर्चों को देखते हुए किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में एक अभ्यर्थी कई कई जगहों से कई कई बोर्डों से फार्म भरता है, उसकी व्यवस्था के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है, तो इसलिए अनावश्यक तौर पर एक ही व्यक्ति कई जगहों से फार्म ना भरे। इसके लिए मंत्री ने ये घोषणा की थी कि परीक्षार्थी जिस भी जगह पर परीक्षा देंगे तत्काल परीक्षा केंद्र पर ही उनको 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा और आरक्षित श्रेणी के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको पहले की तरह कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जो 250 रुपये का शुल्क उनसे लिया जाएगा वह जिस भी स्थल पर परीक्षा देंगे उसी स्थान पर उनको 250 रुपये तत्काल वापस कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, जिससे अधिकतम संख्या में लोग, खासतौर पर जो रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उनको इन सूचनाओं की जानकारी मिल सके। नेशनल व्हील्स के लिए साथी आलोक श्रीवास्तव के साथ मैं रणविजय सिंह।